कि आप सबके घरों में भी छोटे छोटे वत्स हैं। वत्स माने संतान है, बेटा है अथवा बेटी है, उन बेटा बेटियों को संस्कार दीजिए, उन बेटा बेटियों को हरिभक्त जरूर बनाइए। और बिल्कुल जब वो वत्स हैं, बिल्कुल आपका कहां मानते हैं, 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु जो है बालक की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय बालक का मन तैयार होता है, तन तो तैयार होता ही है, बच्चे के कपड़े जल्दी जल्दी छोटे होने लगते हैं, एकदम शरीर बढ़ता है इस समय में, लेकिन इस समय बच्चे का मन भी तैयार होता है। शरीर जो हम खिलाते पिलाते हैं उससे बनता है, और मन जो हम बालक को विचार देते हैं उससे बनता है। तो सब अपने घरों का वातावरण पवित्र रखिए, अपनी रसोई को पवित्र रखिए, अंडा मांस मच्छी प्याज लहसुन का व्यवहार नहीं हो। बालकों को शुद्ध सात्विक भोजन दीजिए, ये कभी ना पूछिए बच्चे से कि क्या खाओगे, आप जो भोग लगाइए वही बालक को पाने के लिए दीजिए। बच्चों को गैया का दूध उपलब्ध करवाइए, हम सब लोग गाय का दूध पीने का ही निश्चय कर लें तो उससे भी गोमाता की सेवा हो जाएगी। अलग से हम कुछ नहीं भी करना चाहते गोमाता के लिए, तो यदि हम सब लोग गाय का दूध ही पीने लग जाएं तो भी गोमाता की रक्षा हो जाएगी। आजकल तो ऑनलाइन इतने साधन हैं, आपके घर पर ही दूध आ जाएगा। कितनी कितनी गौशालाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, भले 2, 4, 5, 7 रुपया 10 रुपया महंगा मिलता हो तो भी कोई बात नहीं। गैया का दूध, अपने बच्चे को गैया का दूध, देसी गैया का दूध मंगा करके प्रभु को भोग लगाइए, खुद भी लीजिए, बच्चों को भी दीजिए। छोटे बालकों से छोटे छोटे नियम बनवाइए, सूर्य भगवान को जल बच्चों से दिलवाइए, गीता की पोथी जी रखिए, बच्चे को प्रतिदिन 2 श्लोक 4 श्लोक 5 श्लोक 10 श्लोक गीता जी के प्रतिदिन पढ़ने हैं, 1 हनुमान 40 का पाठ कम से कम प्रतिदिन करना है, कम से कम 1 महामंत्र की माला करनी है। बच्चे का नियम बनवाइए, 15 मिनट का, आधा घंटे का, नहीं मानता हट करके, डरा करके, जैसे और चीजों के लिए कहते हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को डांटते फटकारते हैं, और चीजों के लिए शैतानी के लिए डांटते फटकारते हैं। नियम बनवाइए बालकों से, 2-4 साल मेहनत करनी होगी, जब नियम सद जाएंगे तो आपको ही लाभ मिलेगा उसका।